प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 9.46 × 10^15 मीटर? 9.46 × 10^15 मीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष। निम्न में से कौन सा पहाड़ी का अनुक्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है? जावड़ी, सेवाराय, पंचई मलाई और सिरुमलाई। ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। सुमेलित कीजिए। जाइलम जो है जल का परिवहन है। जाइलम जो है एक पौधा में टिश्यू होता है जो कि जल का परिवहन होता है। फ्लोएम जो है वो भोजन का परिवहन है। सिराएं जो है वो अशुद्ध रक्त का परिवहन है। और धामिनी जो है वो शुद्ध रक्त का परिवहन है। जंतुओं में ऑक्सीश्वसन से क्या बनता है? तो जंतुओं में ऑक्सीश्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध के सही क्रम को पहचानिए। तो कालिंजर का युद्ध, चुनार का घेरा, पहले कालिंजर का युद्ध हुआ था, फिर चुनार का घेरा, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध अंतिम था। कालिंजर का युद्ध 1531 में हुआ था, चुनार का घेरा 1532 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था और कन्नौज विलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। यहाँ पर दिया हुआ है sin 90 - a, तो sin 90 - a cos a होता है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे cos a, और cos 90 - a को लिखेंगे sin a by, इसको हम अगर तोड़ते हैं तो ये होता है sin a 10 a is equal to sin by cos, तो sin a by cos a। जब ये हो गया तो अब कॉस से ये ऊपर चला जाएगा, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए यानी कि इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। जैव रासायनिक अभिक्रिया है, तो जैव रासायनिक अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और पाचन। जीवधारियों में श्वसन, पाचन एवं प्रकाश संश्लेषण जैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रियाएं जैव रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। महानगर योजना समिति के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के भाग नंबर 2E में। कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना निम्न में से किससे संबंधित है? तो क्वेटो प्रोटोकॉल से। कार्बन क्रेडिट का परिकल्पना निम्न में से किससे संबंधित है? तो क्वेटो प्रोटोकॉल से। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। मिरात उल अखबार का प्रकाशन राजा राममोहन राय द्वारा कब शुरू किया गया था? 1822 ईस्वी में। मिरात उल अखबार का प्रकाशन 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में कोलकाता में से शुरू हुआ था। निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से क्या बनता है? तो बीज। निषेचन के दौरान अंडे से युग्मज या जाइगोट का निर्माण होता है। इसके बाद फल एवं बीज दोनों का विकास होता है। अंडाशय के अंदर बीजांडों से बीज का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का भी अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है।
राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष होता है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? जास्कर। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित प्रमुख पर्वत श्रेणियों में जास्कर लद्दाख एवं काराकोरम में है। नीचे दिए गए प्रश्नों का सही वेन आरेख बना। पृथ्वी, आकाश, गंगा और ब्रह्मांड। तो ये हो जाएगा ब्रह्मांड, ये हो जाएगा पूरा एक ब्रह्मांड है। फिर ब्रह्मांड में आकाश गंगा है और आकाश गंगा में पृथ्वी है, तो ये हो जाएगा डी। कक्षों में ऊर्जा स्तर होता है नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन बोर का परमाणु मॉडल में कक्षों के ऊर्जा स्तर को बतलाया गया है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर और कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहता है। इन कक्षाओं की ऊर्जा स्थिर या ऊर्जा सेल कहलाते हैं, ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल कहलाते हैं। कक्षा के ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है। निम्नलिखित में कितने त्रिभुज हैं? तो ये सरल है, ये एक त्रिभुज है इसका, ये दो त्रिभुज हो गया, फिर ये तीसरा त्रिभुज हो गया, उसके बाद ये चौथा त्रिभुज हो गया, ये पांचवा त्रिभुज हो गया, फिर उसके बाद ये छठा त्रिभुज हो गया, ये सातवां और ये आठवां त्रिभुज हो गया, नौवां त्रिभुज हो गया, ये दसवां त्रिभुज हो गया, ये 11वां त्रिभुज हो गया। उसके बाद ये एक लाइन जा रहा है जो यहाँ से यहाँ तक, तो 11वां त्रिभुज ये हो गया। उसके बाद एक त्रिभुज ये हो जाएगा, 12वां त्रिभुज हो गया, और ये एक त्रिभुज हो जाएगा जो कि 13वां त्रिभुज हो गया, 13 त्रिभुज हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी? 1669 ईस्वी में। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को 1669 ईस्वी में सौंपी। जीएसटी को पूरे देश में कब लागू किया? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को पूरे देश में लागू किया गया। जीएसटी से संबंधित 122 संविधान संशोधन विधेयक जीएसटी से संबंधित 122 संविधान संशोधन विधेयक है और एवं 101 विधान संविधान संशोधन अधिनियम है। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में एक की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया था? तो 1833 का चार्टर्ड एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया था। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया था। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी महिला द्वारा की गई थी? 1917 ईस्वी कोलकाता के अधिवेशन। 1917 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा की गई थी, किया गया था, जिसके प्रथम विदेशी महिला माना जिसको प्रथम विदेशी महिला माना जाता है। पाक खाड़ी निम्न में से किन देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। पाक खाड़ी भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। विद्युत एवं चुंबकीय तत्व की में घना संबंध है किसका? इसका पता लगाया ओस्टैंड ने। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस मध्य को खोज आस्टेड द्वारा किया गया।
एक किलोवाट आवर में कितने जूल के बराबर होते हैं? तो 3.6 × 10⁵ जूल, 3.6 × 10⁵ जूल के बराबर होते हैं। अविसार ने किस पशु की नस्लें हैं? तो भेड़ की। अविसान भेड़ की प्रजाति है। हाल ही में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था राजस्थान ने किसानों को अविसान भेड़ पालने की सलाह दी है। पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का मान होता है 0। किसी वस्तु के ऊंचाई पर स्थित होने पर वहां तक पहुंचने में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के समतुल्य स्थिति ऊर्जा संचित होती हो जाती है। इसे ही गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी पर पड़ी रहने वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा का मान 0 होता है। तीस्ता नदी किस राज्य से होकर बहती है? तीस्ता नदी असम और बंगाल से होकर बहती है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। विश्व में संभावित जल विद्युत शक्ति की सर्वाधिक क्षमता वाला देश कौन है? कांगो। विश्व में जल विद्युत शक्ति की सर्वाधिक संभावना वाला देश कांगो है। निम्नलिखित में से असंगत को पहचान करें। नोजीजोम ओकुहारा टेनिस, ये गलत है, सही है। अजय ठाकुर जो है कबड्डी से जुड़े हुए हैं। एस भास्करण जो है बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं। और काम्पा कृति के जो कि पर्वतरोही है। निजोमी अकुराहो जो कि जापान के हैं वो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2019 में इसे पीवी सिंधु ने हराया था। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन होने पर किसी देश की आयात वस्तुएं महंगे और निर्यात वस्तुएं सस्ते हो जाते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्था रांची में है। और राष्ट्रीय केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कोयम्बटूर में है। दल बदल विरोधी अधिनियम के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता का अंतिम विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल प्रबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य को निर्भरता के प्रश्न का निपटारा करता है। संविधान के भाग 9 संबंधित है पंचायत से। निम्न कथनों में से कौन सा कथन आदर्श गैस से संबंधित संबंध में सत्य नहीं है? तो इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है, ये गलत है। ये गैस ताप और दबाव के सभी अवस्थाओं में बॉयल चार्ल्स एवं दाब के नियमों का पूर्णतः पालन करती है। इसके आयतन अनुसार गुणांक एवं दाब प्रसार गुणांक बराबर होते हैं। इसके अणुओं का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। पित्त किसके पाचन में सहायक होता है? वसा के। जब भोजन पकाशय में पहुंचता है तब पित्त निकलकर भोजन में मिलने लगता है। यह भोजन को अम्लीयता समाप्त कर क्षारीय बना देता है। यह वसा में पाचन में भी सहायक होता है।
निम्नलिखित अम्लों में से कौन अम्ल वर्षा में पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। तरुण स्त्री सभा की स्थापना 1819 ईस्वी में कलकत्ता के में ईसाई मिशनरी द्वारा किया गया था। भारत में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? संगीत नाटक अकादमी। देश विदेश में भारतीय संगीत के प्रचार प्रसार नृत्य तथा नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास के उद्देश्य से भारत सरकार ने संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की है। इसका स्थापना 1953 में तथा मुख्यालय नई दिल्ली में है। इबेरिया किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? स्पेन का। स्पेन का इबेरिया और जर्मनी का नाम, जर्मनी का राष्ट्रीय विमान सेवा है लुफ्थांसा। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन है? तो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि का सम्मान करना, भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण रखें। यदि एक शिवस मुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। जोग जलप्रपात सरावती नदी सर्वाधिक ऊंचा है, सरावती नदी पे है। एना एवं धुआंधा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। अंडमान निकोबार का द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिण अंडमान में। निम्न में से कौन सा वंश जैन धर्म का संरक्षक था? तो राष्ट्रकूट वंश ये भी संरक्षण था, कदम्ब वंश ये भी संरक्षण था और सोलंकी वंश। जैन धर्म के संरक्षण के रूप में राजवंश राष्ट्रकूट कदम्ब सोलंकी प्रसिद्ध है। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस पाल शासक को हराया था? धर्मपाल को। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था कन्नौज के त्रिदलीय संघर्ष में। निम्न में कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य है? तो थाईलैंड इंडोनेशिया नहीं है, मलेशिया और पाकिस्तान भी बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, लेकिन थाईलैंड है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 ईस्वी में हुई थी। यह बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित पांच देश भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका तथा दो अन्य देश भूटान एवं नेपाल को मिलाकर संगठन बनाया गया है। निम्न में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? इथोपिया यानी कि कोलंबिया, गैबोन और केनिया जो है वो विषुवत रेखा पर है, लेकिन इथोपिया नहीं है। भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो, युगांडा, केनिया, सोभाशिया इत्यादि। राज्यसभा में सदस्यों से निर्वाचित सांसदों की संख्या है 225। वर्तमान समय में राज्यसभा में राज्यों से निर्वाचित सांसदों की संख्या 225 है। 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। निम्न में से किस वर्ग समूह ने 1857 ईस्वी स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया? व्यापारी वर्ग ने, यानी कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग और जमींदार वर्ग ने भाग लिया, लेकिन व्यापारी वर्ग ने भाग
नहीं लिया। 1857 ईस्वी में के स्वतंत्रता संग्राम में व्यापारी वर्ग ने की भूमिका एवं शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका नहीं थी। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली विधानसभा तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? 17वां संविधान संशोधन द्वारा। 17वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की वैधता संबंधित विवादों से का निपटारा। चुनाव आयोग को चुनाव की वैधता संबंधित विवादों का निपटारा करने का अधिकार नहीं है। आंखें व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। आँख की पुतली के नीचे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन गलत है? तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, ये गलत है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उपबंध किया गया है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा की अस्थायी सदन, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये सही, ये सब सही है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसके 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान एक वर्ष में स्वराज दिलाने का वादा किया? असहयोग आंदोलन। गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के द्वारा वर्ष भर एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य तय किया गया था। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। कास्टिक वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें से किस पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग से संबंध सबसे अधिक होता है। यह प्रकाश का एक गुण है जबकि जितनी ज़्यादा मात्रा में प्रकाश हरे पौधे पर प्राप्त होता है उतनी ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। दिए गए संध्यो सभ्यता की प्राप्त संध्यो सभ्यता से प्राप्त मुहर बनी हुई थी सेलखड़ी। सेलखड़ी की बनी आयतकार बेलनकार मुहरे सेंधव स्थलाव से मिले हैं जिस पर एक सिंह वाला विषव का चित्र है। ब्रह्मतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाला युग्म कौन है? क्लोरीन और ब्रोमीन। निम्नलिखित युग्म में सही सुमेलित युग है पूना की संधि 1817। पूना की संधि 1817 ईस्वी में अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। सूरत की संधि 1775 में हुई थी और मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुई थी। सूर्य के विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहा जाता है उत्पादक। सूर्य के विकिरण ऊर्जा से ऊर्जा हरे पौधे प्राप्त कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर कार्बनिक यौगिक की एक का निर्माण करती है इसलिए इसे उत्पादक कहा जाता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम सरकार 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग का जिम्मा मिला। स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का मंत्री बनाया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। अंतरिम सरकार स्वतंत्रता एवं तथा स्वतंत्र भारत में पहली मंत्रिमंडल दोनों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मंत्रालय का जिम्मा मिला था। कारोबार सुगमता सूचकांक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा। कारोबार सूचकांक इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स प्रतिवर्ष विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8%। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। निम्न में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? स्टार्च का जलीय विलयन। जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजरते हैं और इसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइडियल कण काली पृष्ठभूमि में अल्पिन की नोड की भांति चमकने लगती है। इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। शुल्च सूत्र संबंधित है माप संबंधित नियमों से। शुल्च सूत्र अग्नि वेदियों के निर्माण एवं निर्माण के समय माप के से संबंधित है। सूची 1 सूची 2 का सही मिलान कीजिए। तो लौह अयस्क के नोवामुंडी स्थल से प्राप्त हुआ था। खनिज लौह अयस्क जो है नोवामुंडी स्थल से प्राप्त हुआ था। कोयला जो है वह धनबाद से प्राप्त हुआ था। जस्ता जो प्राप्त होता है धनबाद से, और जस्ता जो है वह जावर से प्राप्त होता है। तांबा जो है वह खेतड़ी से प्राप्त होता है। निम्नलिखित घटनाक्रम को सही क्रम में की पहचान करें। दिल्ली समझौता, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर सांप्रदायिक निर्णय और पूना पैक्ट। रैमन मैग्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रैमन मैग्सेस पुरस्कार जनसेवा से, पत्रकारिता से और साहित्य से संबंधित है। रैमन मैग्सेस पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबल भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1858 में फिलीपींस सरकार द्वारा किया गया जाता है। फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक म्यांमार की प्रमुख नेता आंग सू के द्वारा लिखी गई है। निम्न में से कौन से ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली मध्य प्रांत में लागू थी? महालवाड़ी पद्धति भू राजस्व व्यवस्था के लिए मध्य प्रांत में लागू की गई थी। भारत सरकार द्वारा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2000 में। मल्होत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय बीमा क्षेत्र के विनियम के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में बीमा विनियम के द्वारा विकास प्राधिकरण IRDA की स्थापना की गई। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार कर लिया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुँचा तथा अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित किया, जिसमें दो संविधान सभाओं को मांग को ठुकरा दिया गया। इसके द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत ही 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ।
गोदावरी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा स्थान है? नासिक जिला। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक जिला के त्र्यंबक गांव पहाड़ी है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। उत्तल लेंस से जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनती है काल्पनिक और सीधा। निम्न में से किसे काकोरी षड्यंत्र में सजा नहीं मिली थी? भगत सिंह को। काकोरी षड्यंत्र की सजा के तौर पर फांसी पर चढ़ने वाले थे अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी। कौन सा देश भारत के सिर्फ राज्यों से सीमा साझा करता है? नेपाल। पाकिस्तान एवं चीन भारत के राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के साथ भी सीमा साझा करता है। नेपाल सिर्फ भारत के राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से किसमें द्विभाजन नहीं होता है? हाइड्रा में। तुलबुल परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? झेलम में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। यह सिंधु की सहायक नदी है। निर्वाण संबंधित है। जन्म मरण से मुक्ति, तृष्णा का समन और दीपक का बुझना। निर्वाण जन्म मरण से मुक्ति, तृष्णा रूपी अग्नि का समन और दीपक को बुझना इत्यादि से संबंधित है।